कटिहार जिले के सांसद दुलाल चंद गोस्वामी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों ने जदयू का दामन थामते हुए जदयू पर आस्था जताया। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा के जदयू से जुड़ने के बाद से ही बड़ी संख्या में रालोसपा के कार्यकर्ता जो सीधे तौर पर जुड़े हुए नहीं थे वह अब पुनर्मिलन के माध्यम से जदयू का दामन थाम लिया है। सांसद दुलाल चंद गोस्वामी ने कहा कि इससे आने वाले दिनों में जदयू और मजबूत होगी। बीटे न्यूज बिहार के लिए कटिहार से मनीष कुमार की रिपोर्ट। नहीं देखिए, जेडीयू पिछले माह भी हम लोग के नेतृत्व में लगभग 200 से 250 लोग जेडीयू का सदस्यता ग्रहण किए और आज भी माननीय नीतीश कुमार जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, आरसीपी सिंह जी, उमेश कुशवाहा जी और हमारे लोकप्रिय सांसद दुलाल चंद गोस्वामी जी का जो क्षेत्र में विकास के प्रति प्रतिबद्धता उनके प्रति प्रभावित होकर आज भी उमाकांत आनंद जी के नेतृत्व में आज 100 से 150 के लगभग में लोग हमारे जेडीयू का सदस्यता ग्रहण किया है। हम सभी मनोनीत सभी सदस्यों को हम आज हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हैं और एक जेडीयू महापरिवार अब एक विशालकाय का रूप धारण कर रही है। उपेंद्र कुशवाहा जी के आने पर हम सभी सदस्यों का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हम लोग तो सही महीने में 14 मार्च को ही माननीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में जदयू में विलय किए। आज हमारे बहुत सारे साथी हैं जो कि आज एक मिलन समारोह के रूप में कटिहार के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री दुलाल चंद गोस्वामी जी के नेतृत्व में आज हम लोग यहां पर एक मिलन समारोह किए, जिसमें अहम भूमिका पूर्व जिला अध्यक्ष जदयू बड़े भाई संजीव श्रीवास्तव का रहा और हम सब मिल करके संकल्प लिया है कि कटिहार जिला में जदयू को एक नंबर का पार्टी बनाने का काम करेंगे और आने वाले विधानसभा या लोकसभा चुनाव में हम लोग जदयू कटिहार जिला में एक नंबर पर रहेगी और इसी संकल्प के साथ आज हम लोग जदयू का मिलन समारोह करके आगे काम करने का निर्णय लिए। नई जिम्मेदारी मिली है। अरे ठीक है। सबसे पहले मैं बिहार के विकास पुरुष आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद देना चाहता हूं और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी, सबन प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष नीतीश टंटन जी, कटिहार के विकास पुरुष सांसद दुलाल चंद गोस्वामी जी और हमारे आदरणीय बड़े भाई संजीव श्रीवास्तव जी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जदयू पहले भी मजबूत था, कुछ कारण से 2020 में हम लोग को थोड़ा सा नुकसान हुआ है जो भरपाई हम लोग आने वाले दिन में कर लेंगे। परिचय सज्जन कुमार, लोकसभा प्रभारी सबन प्रकोष्ठ।